पर हमें उम्मीद है कि मेयर साहब की क़यादत में, हमारी हुकूमत की क़यादत में, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में यहाँ पर ऑटोबान पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ऑटोबान पे इस कदर बड़ा काम चल रहा है, इससे पहले कभी भी इतने बड़े नाले न कभी डाले गए, न कभी उन पर काम किया गया। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, हमारे पंपिंग स्टेशन, हमारे वासा का डिपार्टमेंट, हम लोग सब अवेलेबल हैं इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हैदराबाद न्यूज़, आप सबका बड़ी मेहरबानी जो आपने एक लाइक समझा कि हमारे व्यूज़ भी लिए जाएं। सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करता चलूं कि इस दफ़ा बलदियाती नुमाइंदे जो मुंतखब होकर आएँ उसमें हमारे बिलाल गदर साहब का बहुत बड़ा उसमें एफ़र्ट्स हैं कि उन्होंने पहली दफ़ा एक नौजवान क़यादत को मौका दिया है बलदियाती नुमाइंदा होने के हैसियत से, जिसमें नंबर वन पे हमारे मेयर साहब जनाब काशिफ खान शोरो साहब, उनकी मेहनत से भी, और उसके बाद हमारे हम जो नए जो मुंतखब नौजवान क़यादत जो हमारी आई है टाउन के हिसाब से, उनका लास्ट ईयर से लेकर ज़ाहिर हम लोग फाल नहीं थे, इस दफ़ा हम कुछ काफ़ी बेहतर हैं। उसमें हमारी बहुत सी एजेंसी और भी हमारे साथ काम कर रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका ऑटोबान रोड का, ऑटोबान रोड सदियों से सियासत के वजह से कुछ यहाँ के मुंतखब लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में इतने बड़े रोड पे कुछ काम हो और लोगों को कुछ सहूलत मिले, पर हमारे मेयर साहब की, हमारे हुकूमत की एक बहुत बड़ा कारनामा है जो पहली दफ़ा ऑटोबान पे इस कदर बड़ा काम चल रहा है, इससे पहले कभी भी इतने बड़े नाले न कभी डाले गए, न कभी उन पर काम किया गया। पर ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कुछ महीनों का काम नहीं है, उसमें आप खुद भी देख रहे होंगे ऑटोबान पे जाते वक्त नाले बन रहे हैं, जो इस दफ़ा तो अल्लाह की मेहरबानी जो बारिशें कम हुई हैं तो उसमें कुछ सपोर्ट हमें मिली है, पर हमें उम्मीद है कि मेयर साहब की क़यादत में, हमारी हुकूमत की क़यादत में, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में यहाँ पर ऑटोबान पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाली बारिशों में मुश्किलों का सामना नहीं होगा। जहाँ तक हमारे टाउन, मेरे टाउन हुसैनाबाद का ताल्लुक है, मेरे हुसैनाबाद टाउन में हमारे जो पंपिंग स्टेशन, इस दफ़ा तो अल्लाह की मेहरबानी है बारिश अभी तक फ़िलहाल ऐसी नहीं हुई कि हमें, पर उसके बावजूद भी हम लोग तैयार हैं हर मुसीबत को मुंह देने के लिए, और इसमें हमारी वर्किंग ये है कि हमने अपनी तमाम मशीनरी को एक्टिव किया हुआ है, हमारे स्टाफ की छुट्टियां मंसूख की हुई हैं, ऑन कॉल हमारा एमरजेंसी नंबर भी दिया हुआ है, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, हमारे पंपिंग स्टेशन, हमारे वासा का डिपार्टमेंट, हम लोग सब अवेलेबल हैं इंशाल्लाह ताला। मशीनरीज भी हैं और ज़िले इंसानियत भी हमारे साथ काम कर रही है, उसके बुनियाद पर हम लोग बिल्कुल तैयार हैं किसी भी एमरजेंसी चीज़ को मुँह देने के लिए।